भाई अभी गाड़ी से चले हैं हम एक कैंपिंग स्पॉट ढूंढने, जो कि थोड़ा आगे है। देखते हैं वहां चल के कुछ थोड़ा कैंपिंग करके आएंगे। और नहीं तो हमारा फिर सैड। व्हाई आर यू सैड? ये भी है पर काम ही क्या है भाई। तो चले कैंपिंग के लिए? नो। आई ये कौन बोला नो? तो जी हम निकल चुके हैं कैंपिंग के लिए। और खूबसूरती देखे कारगिल की इस टाइम पे सामने बर्फ के पहाड़ कैसे चमक रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कैमरा पता नहीं जस्टिफाई में बार बार ये बोलती, क्योंकि आंखों से जो आप देखते हो ना कैमरा मुश्किली वो कैप्चर कर पाता है। अभी देखते हैं आगे कितनी दूर हमारी कैंप साइट है। हमें किसी ने बताया कि इधर ही है, थोड़ा आगे जाके कितना गया है। इसका रोड का काम भी चल रहा है, रिपेयरिंग का है। देखो भाई खूबसूरती देखिए कारगिल की। और उधर देखिए कितना प्यारा गांव है, बिल्कुल ग्रीन। और इधर इतना एकदम उजाड़ पहाड़ से पहाड़ है, फिर एक सामने फिर ग्रीन भी आ रही है। और भाई हमें ऐसी ही जगहें क्यों मिलती हैं, ऐसी लोकेशन पे क्यों जाते हैं जहाँ पे हमें रोड ही नहीं मिलते? हमें भेज देता है लोग, पता नहीं लोग क्यों हमें मतलब कहते हैं यहाँ से जाओ भाई मजा आएगा। ये देखो क्या मजे से जा रहे हैं हम, सारा रास्ता भी 10 किलोमीटर से ऐसे ही चल रहे हैं। और हम जा रहे हैं एक 4000 वर्ष पुरानी बुद्धा जी की प्रतिमा देखने, जो हमें पता चली है आगे ही है। ये कारगिल की सड़कें हैं, कौन कह सकता है कि हम लद्दाख में हैं, इतना हरा भरा। सही बात है, बिल्कुल मस्त एकदम। इतनी खूबसूरत रोड है ना, ये किसी विलेज से होके जा रहे हैं हम लोग। और ये रोड गूगल पे भी नहीं है, अननोन रोड है ये। हमें किसी ने सजेस्ट की थी कि आप इस रोड से जाना, बहुत ही खूबसूरत रोड है ये। और ये आगे जाके मेन रोड पे ही मिल जाएगी। इसमें दो खूबसूरती है, एक तो पीछे का ट्रैक हमें मिला है पूरा ऑफ रोड, वो एक अलग खूबसूरती है। और फिर ये स्टार्ट हो गया बिल्कुल ग्रीन रोड। और ये देखिए ये खूबसूरती है ना भाई, मजा आ गया सीरियसली। और बराबर में गांव है जिसमें पुराने टिपिकल घर बने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर। एक सामने आ रहा पर्पल घर, पर्पल कलर का घर बहुत ही खूबसूरत बना रखा है। अभी आएगा ये देखो ये रोड मिल गया उसी में शायद। हाँ यहाँ से अब दिखा देगा। और भाई गांव में सफाई देखे, मतलब साफ देखे कितना गांव, कितना साफ, रोड कितनी क्लीन की हुई है। भाई हम पहुंच चुके हैं सेंको विलेज कारगिल में। और यहीं पे बताते हैं बुद्धा जी का जो है 4000 साल पुराना स्टैचू है, 4000 साल पुराना। तो भाई वही देखने जा रहे हैं, बस पास में ही है उसके, जल्दी आपको दिखाते हैं उनके दर्शन कराते हैं। हम पहुंचने वाले हैं, 3 मिनट का रास्ता रहेगा। और यहाँ भी होम स्टे बहुत है, फिर हम आपको दिखाएंगे। और जगह भी बहुत खूबसूरत है, रिकमेंडेड जगह है। जो कारगिल में थोड़ा टाइम बिताना चाहता है वो सेंको आ सकते हैं। और इवन जिस होम स्टे में हम रुके हुए हैं उस गाँव का नाम हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ वो भी बहुत सुंदर लोकेशन है। वहाँ भी आपको वाटरफॉल वगैरह सब है, और आप विलेज लाइफ कैंप साइट है क्या है नहीं, विलेज लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए अभी हम जा रहे हैं यहाँ से एक म्यूजियम देखने, म्यूजियम है इधर आगे ये देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे रास्ते हैं। चलो चल दरवाजा खोलो बेटा, ये है म्यूजियम इनका। माला लाइट जलाना, अच्छा बहुत अंधेरा है यहाँ पे। ये कितनी पुरानी चीजें हैं,
ये क्या है, कुर्दुस, ओ हथौड़ा टाइप है। अरे वाह, ये बकरे की खाल है, ये बकरे की खाल। कितना पुराना है? पुराना है ये मना हो। और ये वो निकाले हुए, ये ऊन, ये तराजू है, ये तो लालटेन है, सब जानते ही हैं। वाह देखो कितना पुराना पुराना सामान है। ये मिट्टी का है ना घर, इसलिए अंदर इसमें ना सर्दी लगती ज्यादा ना गर्मी लगती, तो इसको थोड़ा सा आप वो क्यों नहीं रखते मेंटेन करके कि अच्छे से इसको रखें दिखाने के लिए लोगों को। नहीं है तो ये, चलो ये तो लालटेन वगैरह ये तो हमारे टाइम में भी आती थी, ये तो हमने भी देखी, हम बीन में पड़े भी हैं। ये सब ना पुराना, ये सब अच्छा, पुराना है। ठीक है, ये बकरी का। अच्छा अच्छा बकरी का, ठीक है। अभी आपने देखा ये है रग्याल खातून मेमोरियल म्यूजियम, ये गांव का नाम होगा ना, खर्चेखार, ये खर्चेखार में है, और बुद्ध जहाँ पे बुद्धा जी का स्टैचू है उसी के पास में है ये। तो अगर आप यहाँ पे बुद्धा स्टैचू देखने आ रहे हैं तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करें, देख लें, बहुत पुरानी पुरानी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्या नाम है इसका? नुसरत। आंटी बहुत वीडियो बना रही है आंटी आपका। अच्छा अब उधर देखना है, बाय। और ये इधर है बुद्धा जी का स्टैचू, उसको देखने जा रहे हैं हम लोग। आगे निकल गए थे गांव में, तो भाई अभी गांव से वापस आके देख के आते हैं स्टैचू, जो कि है 4,000 साल पुराना स्टैचू। वो बिल्कुल ऐसी जगह पे है, बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, इक्का दुक्का टूरिस्ट हमें दिखाया, एक गाड़ी सिर्फ दिखी है अब तक। भाई ऐसी जगहों पे भी आए तो इनका भी जो है लोकल्स लोगों का भी थोड़ा बिजनेस चल जाए, आना चाहिए ऐसी जगहों पर। तो चलिए आपको दिखाते हैं बुद्धा जी का स्टैचू। हाँ यहीं पे ये होम स्टे वगैरह भी बने हुए हैं, अगर आप ही आते हैं, होम स्टे वगैरह बने हुए हैं, रुक सकते हैं, बढ़िया। यहाँ से देखिए व्यू भी कितना प्यारा है, आगे हरियाली हरियाली, यहाँ पे रुक भी सकते हो आप। ये देखिए हम पहुँच गए कहाँ पे, जहाँ पे बुद्धा जी का स्टैचू है, और ये देखिए ये बना हुआ है बिल्कुल, ये पहाड़ में ही तराश के बनाया गया है, काफी विशाल है, और जहां तक हमें पता चला कि 4,000 साल पुराना है, बहुत ही अद्भुत भाई। ऐसी नक्काशी देखिए, और वो भी इतने बड़े पहाड़ में करना कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा, देख सकते हो आप। कहाँ पे? ये देखिए होम स्टे भी यहाँ पे है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से है, वो सामने बना हुआ है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो स्टे भी कर सकते हो। छोटा सा एक गांव है, बिल्कुल लास्ट में आके यहाँ पे रोड एंड हो जाता है, ये बहुत ही एक छोटा सा गांव है। और यहाँ पे एक खूबसूरत बात ये है, आपको नज़ारे तो अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको नेटवर्क भी मिल जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ पे मतलब लोग काफ़ी लोग इस वजह से नहीं आते इंटीरियर्स में कि नेटवर्क नहीं मिलता, लेकिन हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, खूबसूरत नज़ारे, अच्छा हॉस्पिटैलिटी, और नेटवर्क भी मिल जाएगा। और ये देखिए नज़ारे तो आप यहीं से देख सकते हो, यहाँ पे आप वॉक कर सकते हो, बुद्धा जी के स्टैचू के पास स्टे कर सकते हो भाई, और इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। और साथ ही साथ आप जो है लोकल बिजनेस को भी बढ़ावा दोगे यहाँ पे, इनको भी ग्रो करने में मदद करोगे। तो अगर आप इधर आ रहे हैं कारगिल आए तो यहाँ जरूर आए भाई। बुद्धा स्टैचू को देखने के बाद हम खाने पड़े आइसक्रीम, फिर हम पैदल आ रहे हैं। खानी पड़ी आइसक्रीम नहीं, आपने जबरदस्ती खाई है, खानी पड़ी जैसे वहाँ पे लिखा हो मैंडेटरी कि भाई बुद्धा स्टैचू देखने के बाद आइसक्रीम खानी जरूरी है।